हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं कनिष्का, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या सीखेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, पहले तो ये आया कहाँ से है। अगर आप शुरू शुरू में टेंसेस सीख रहे हो और शुरू में इस वीडियो को देख रहे हो तो ये आप बिल्कुल गलत कर रहे हो। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है। दोस्तों, पहले तो ये सीखो कि टेंसेस क्या होते हैं, टेंसेस का मतलब क्या होता है, टेंसेस के कितने पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्सों का टाइप सही है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ, टेंसेस जो होते हैं दोस्तों वो समय को बताते हैं और टेंसेस के तीन टाइप्स होते हैं। वैसे टेंसेस का जो अर्थ होता है मैंने खुलकर वीडियो में बता रखा है, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दे रखी है, जाकर वहाँ देख सकते हो। बट मैं बता देती हूँ, आप वहाँ जाओगे ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। टेंसेस समय को बताते हैं, टेंसेस के तीन टाइप्स होते हैं, कौन कौन से? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट यानी कि भूतकाल, जो काम हमारा बीत चुका है, हो गया है। प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल, जो काम हमारा चल रहा है प्रेजेंट में। और फ्यूचर यानी कि भूतकाल, जो अभी आएगा फ्यूचर में। हर एक तीनों टेंस के अपने अपने चार चार बच्चे होते हैं। मान लो टेंस एक पिता है, उसके तीन बच्चे हो गए, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट के भी चार बच्चे हैं, प्रेजेंट के भी चार बच्चे हैं और फ्यूचर के भी चार बच्चे हैं। जो प्रेजेंट के चार बच्चे हैं यानी कि जो चार टाइप्स हैं, उनकी वीडियो में बना चुकी हूँ। हर एक बच्चे की एक वीडियो में वीडियो, मतलब हर एक वीडियो है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर रखी, जाकर देख सकते हो। प्रेजेंट के चार बच्चे हमने ख़त्म कर दिए हैं और जो पास्ट के जो चार बच्चे होते हैं ना, जो चार टाइप्स होते हैं, उसका ये फर्स्ट टाइप्स निकल के आया है, पास्ट इंडेफिनेट टेंस। तो आज हम सीखने वाले हैं पास्ट इंडेफिनेट टेंस, शुरू करते हैं, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है क्या, पहले इसका मतलब समझो दोस्तों, ठीक है। मैं पहले ही कह रही हूँ, पहले उन वीडियोस को देखना है, फिर इसको देखना, ठीक है। ऐसे कुछ समझ में नहीं आता है, ये मैथ्स है, ये मैथ्स की तरह है, मैथ्स नहीं है, ये मैथ हो अलग है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्या मतलब होता है? पास्ट का मतलब होता है कि जो काम हमारा हो चुका है, बीत गया है। तो पास्ट इंडेफिनिट यानी कि अनिश्चित, डेफिनेट होता है निश्चित और इनडेफिनेट यानी कि अनिश्चित, ठीक है। हमें काम का अच्छे से नहीं पता चलता। मान लो मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि वे दिल्ली गए, तो काम बीत गया, वे जाने वाले हैं नहीं जाने वाले, जा रहे हैं नहीं जा रहे, वे तो गए, काम हो गया। अब देखो, वे दिल्ली चले गए ना, तुमने खाना खा लिया, खा लिया, अब फिर से खाओगे, वो तो आगे हो गए, फ्यूचर में हो गया, वो तो भूत, मतलब भूतकाल बीत गया, तो उसे हम पास्ट इंडेफिनेट की श्रेणी में लेते हैं। इस तरह अगर हिंदी के वाक्यों के अंत में, लास्ट में हिंदी के वाक्यों के अगर ता है आता है, ता था, सॉरी ता है नहीं, ता था, ता थी, ते थे, वे स्कूल जाते थे, ते थे आ गया, या ओ ए उ आ, इसकी ध्वनि आई, जैसे कि वह दिल्ली गया या वह स्कूल गया, आ ये आई ध्वनि, वे स्कूल गए, ए एक ही ध्वनि आई, और वह स्कूल गयो। देखो आपको थोड़ी सी भाषा अटपटी लग रही होगी, बट ये भाषा होती है, वह स्कूल गयो, ये भाषा होती है कि ओ लगाते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये ओ की भाषा होती है। आपने शायद खखाना गांव सुना होगा, तो उसके अंदर ये भाषा, ये वाली भाषा बोली जाती है, ज़्यादातर गुजरों में भाषा बोली जाती है, ठीक है। मैंने सुना है इसलिए मैं कह रही हूँ, मतलब हमारे स्कूल में है, मैंने सुना है उनके मुँह से, वो ऐसी भाषा बोलते हैं। तो अगर ये आए ना लास्ट में, तो वहाँ हम पास्ट इनडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। क्या है? ता था, ते थे, ता था, ता थी, ते थी, ऐसे कुछ भी शब्द आए, या लास्ट में गया, गयो, गई, ई, ये आ जाए तो पास्ट, तो हम पहचान लेंगे कि वो क्या है, पास्ट इनडेफिनिट टेंस है, ठीक है। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो उनकी हेल्पिंग वर्ब भी होनी चाहिए। अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें दोस्तों, तो हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे डिड का। इसमें हेल्पिंग वर्ब एक ही, हमने जितने भी टेंस पढ़े हैं सब में दो दो हेल्पिंग वर्ब थी, बट इसमें एक है, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करेंगे और वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। आपको शायद पता नहीं है, बट वो तो बात मुझे ही पता होगी। अब तो मैं टेंसेस के अलग अलग वीडियो बना रही हूँ, बट एक मैं टेंसेस की पूरी वीडियो बनाऊंगी, मतलब ऐसे खुल के नहीं बताऊंगी, एक ऐसी वीडियो बनाऊंगी आपका डर खत्म हो जाएगा टेंस से, मतलब टेबल की तरीके से
वो आप देख लेना मेरी जब भी वीडियो आएगी, पहले मैं इन्हें खत्म करूंगी, ठीक है। फिर मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट, मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट के चार बच्चे होते हैं ना, तो उसमें पास्ट परफेक्ट भी उसी का ही बच्चा है, तो इसमें बहुत बड़ा अंतर होता है, वो भी आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। अभी मैंने बनाई नहीं है, आगे जब वीडियो आएगी जब देखना, ठीक है। तो वर्ब की हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं और हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम डिड का यूज करते हैं। बट अगर हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है, सकारात्मक है, सिंपल सा वाक्य है, तब वो कहता है, वो पॉजिटिव वाक्य कहता है कि अगर मैं हूं ना, मैं सिंपल वाक्य हूं ना, तो मुझ में डिड का यूज बिल्कुल मत करना दोस्तों। पॉजिटिव चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है इसकी मानो कि मुझे डिड, मेरे साथ डिड का यूज नहीं करना। जैसे कि वह स्कूल गया, तो सिंपल वाक्य है, नकारात्मक थोड़ी ना है, मना थोड़ी ना कर रहे हैं, प्रश्न भी नहीं पूछ रहे, तो सिंपल वाक्य हो गया वह स्कूल गया। तो इसमें उसने कहा है कि जब इसकी इंग्लिश बनाओ तो डिड को यूज मत करना। अगर यूज कर रहे हो ना, तो ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करना है, डिड को यूज नहीं करना। पर नेगेटिव चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि अगर मैं हूं ना, तो मेरी इंग्लिश बनाते समय डिड का यूज करना है। पर क्या करे दोस्तों, कब पता ही नहीं चला डिड को भी फर्स्ट से प्यार हो गया। डिड ने कहा कि अगर मुझे यूज कर रहे हो, नेगेटिव में हम डिड का यूज करेंगे, पॉजिटिव में हम डिड का यूज नहीं करेंगे, ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, और नेगेटिव में हम डिड का यूज करेंगे। और अगर हम डिड का यूज कर रहे हैं, तो डिड ने कहा वर्ब की सेकंड फॉर्म को तो भूल जाओ, डिड के साथ नहीं आनी चाहिए, वी फर्स्ट का यूज करो। अब भाई आप ये मत कहना दीदी आपने कितना सारा दे दिया, कैसे याद करे, अब उसमें मेरी क्या गलती, अगर डिड को वी फर्स्ट से प्यार हो गया, मेरी गलती है भाई, अब प्यार को तो अपनाना पड़ेगा, ये डिड का पहला प्यार था, तो उसने वर्ब की पहली फॉर्म को ही तो अपनाया है, सेकंड को अपनाया नहीं अपनाया। भैया इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, नेगेटिव में इसने कहा कि मुझे वी सेकंड नहीं चाहिए, मेरे साथ ओनली हेल्पिंग डिड का यूज करो, और डिड का यूज कर रहे हो ना, तो मेरा प्यार पहला है, और मेरे साथ वर्ब की पहली फॉर्म का यूज करो। अब इंट्रोगेटिव तो इसी का ही भाई था, कसर छोड़ रहा था पीछे अनजाने की, उसने भी कहा तो मेरे साथ भी डिड का यूज करना है, और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। ये बात मैं चिल्ला चिल्ला कर कह रही हूँ और आपके दिमाग में डाल दूंगी, या आप समझ जाना इस बात को, अगर आप डिड का यूज कर रहे हो ना, तो वी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है उसके साथ, और अगर डिड का यूज नहीं कर रहे हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। ये कब होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म पॉजिटिव में और डिड प्लस वी फर्स्ट नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में, ठीक है। फॉर्मूलों के साथ देखते हैं हमारे दोस्तों, अगर हमारा सिंपल वाक्य है, मतलब कि सकारात्मक, जो मैंने पॉजिटिव लिखा था ना वही है, ये कोई अलग अक्षर नहीं है, मतलब अक्षर तो अलग है बट मीनिंग इनका सेम ही है, ठीक है। अगर हमारा सिंपल वाक्य है तो सब्जेक्ट जो पहले हमेशा ही होता है, बात बताने की जरूरत नहीं पड़ती, एक हमेशा फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, उसी के आगे पीछे कहानी घूमती रहती है, आगे तो बढ़ती ही नहीं। सब्जेक्ट पर सब्जेक्ट या वर्ब कौन से सिंपल वाक्य बनाएंगे, अगर पास्ट इंडेफिनिट में तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद डिड का यूज करेंगे, और ये बात तो आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब हमारी डिड है, और हेल्पिंग वर्ब ने अपना रखा है कि मेरे बाद नेगेटिव सेंटेंस में नोट आएगा, तो डिड के बाद क्या आ गया, नोट, नोट के बाद नोट वी सेकंड, यस वी फर्स्ट, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी बिकॉज हम डिड का यूज कर रहे हैं, ठीक है, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ओके। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो ये नेगेटिव का ही भाई था, या अगर हेल्पिंग वर्ब हम डिड का यूज कर रहे हैं तो वी फर्स्ट आएगा। अब वही बात हो गई ना, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, फिर उसके बाद वी फर्स्ट आ जाएगा, और बीच में सब्जेक्ट, ये आगे पीछे मैंने कहा था ना, वही कहानी घूमती रहती है। वर्ब हमारी दो फॉर्म की होती है दोस्तों, कौन कौन सी, हेल्पिंग वर्ब होती है एक, तो हमारी मेन वर्ब होती है, और हमेशा हमारी हेल्पिंग वर्ब पहले ही होती है, जैसे कि हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, ये मेन वर्ब से पहले होती है, ये हमारी मेन वर्ब है, ये हमेशा मेन वर्ब से पहले ही होंगी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अगर हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, ये तो ऑब्जेक्ट और फिर साइन ऑफ इंट्रोगेशन, अगर प्रश्न भी पूछ रहे हैं पर वो नकारात्मक में है, जैसे क्या तुमने खाया, नहीं खाया, तो वही बात हो गई ना,
डिड का यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे और फिर नोट का यूज़ करेंगे। अब वही बात हो गई, हेल्पिंग के बाद तो नोट आना ही चाहिए, बट वो सब्जेक्ट बस बीच में अड़ रहा है, तो सब्जेक्ट के बाद लगा दो। नॉट अ डिड है तो वी फर्स्ट जरूर लगाओ, ओनली बस इतना ध्यान रखो ओनली सिंपल में लगेगी, सिंपल में डिड का यूज़ नहीं होगा। और भी जितने बचे ना उन सबके साथ डिड का यूज होगा। अगर उन सबके साथ डिड का यूज हो रहा है तो आपको ये बात पता है डिड किससे प्यार करता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्यार करता है, तो वी फर्स्ट को ही लगा उसके साथ, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑफ साइन ऑफ इंट्रोगेशन, अगर हमारा सेंटेंस डबल इंट्रोगेटिव है, अब इंट्रोगेटिव क्या होता है, डबल इंट्रोगेटिव क्या होता है। वैसे मैं दोस्तों आपको एक बात बताऊं, मैंने अब तक टेंसेस की कम से कम 4-5 वीडियो बना चुकी हूं और हर बार मैं सारे फॉर्मूले लिखती हूं ना, हर बार इन दोनों का समझाती हूं, मतलब मन भर गया है इतनी बार बता बता के। पर मुझे थोड़ा पता है कि आप मेरी जो पहली वीडियो आपने सारी देखी हो, इसलिए हर वीडियो में बताना चाहिए। और इंट्रोगेटिव हमारे वे सेंटेंस होते हैं जिसमें हम हाँ या ना में जवाब दें, कुछ ऐसा सवाल हमसे किया जाए जिसमें हम हाँ या ना में जवाब दें, जैसे क्या तुमने खाना खाया, या आपने पूछा कि क्या तुमने खाना खाया, मैंने, तो मैं तो हाँ में जवाब दूंगी हाँ मैंने खाया, या मैं ना में जवाब दूंगी नहीं खाया, उससे अलग बताऊंगी क्या, उससे अलग नहीं बताऊंगी क्योंकि आपने सवाल ये पूछा है। और अगर मैं हाँ ना में, और मतलब कि इंट्रोगेटिव भी होते हम हाँ ना में जवाब दें, और जिसमें हम हाँ या ना में जवाब ना दें वो होते हैं हमारे डबल इंट्रोगेटिव, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा नाम हाँ है, नहीं, नहीं भी नहीं है, हाँ भी नहीं हो, नहीं भी नहीं है, तो अपना नाम बताओगे, तुम क्यों रो रहे हो वो कारण बताओगे, वो कहाँ रहते हैं उस स्थान का नाम बताएंगे, या हाँ या ना में जवाब नहीं मिलने वाला, तो उस सवाल को हम डबल इंट्रोगेटिव में लेंगे। और जिसमें हम हाँ या ना में जवाब दे सके उस पूछे गए सवाल को हम इंट्रोगेटिव की श्रेणी में लेंगे। जैसे कि तुमने कब खाना खाया, उस तारीख का नाम बताओ कि खा या आ गए ना, पास्ट इंडेफिनिट में आता है, ठीक है। और फिर क्या होगा, बस आगे डब्ल्यू एच फैमिली आ जाएगी। डब्ल्यू एच फैमिली क्या होती है, बहुत सिंपल सी बात है, ये एक नौ परिवार होते हैं, और व्हाट, व्हेन, हुज, हाउ, हुज, हुम, ये सारे हमारे डब्ल्यू एच फैमिली के अंदर आते हैं, मतलब कि उनके आगे डब्ल्यू एच अक्षर होता है, ठीक है। हम लिखते हैं ना व्हाट, व्हेन, तो आगे डब्ल्यू एच आता है, इसलिए हम इसे डब्ल्यू एच फैमिली कहते हैं। फिर उसके बाद जो भी हमारा इंट्रोगेटिव के अंदर था, डबल ही तो आया इंट्रोगेटिव का, इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला लगा दो, आगे डबल था, डबल का हम डब्ल्यू एच फैमिली में कन्वर्ट कर देंगे। डिड, सब्जेक्ट, वी फर्स्ट, ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है। पहचानने के लिए अभी आपको है कि पहचान है पास्ट इंडेफिनेट की, कि मतलब किसी अगर सेंटेंस में आ जाते हैं ये शब्द तो पहचानने के लिए कि अगर ये पास्ट इंडेफिनेट के हैं तो हम वहाँ पास्ट इंडेफिनेट के रूल्स लगाएंगे। अगर एगो पहले आ जाता है, अगर एगो का क्या अर्थ होता है, पहले, बीत गया, ये बताने की जरूरत नहीं है, कभी नहीं याद करने बैठ जाओ, हाँ भाई बस मैडम ने, दीदी ने लिख दिया, मैडम का दर्जा मुझे अभी मत देना, अभी मैं मैडम नहीं हूँ, ठीक है। एगो पहले आ गया, मतलब कि एगो का अर्थ होता है पहले, बहुत पहले जो काम हो चुका हो, ठीक है। और हम पास्ट में ही पढ़ रहे हैं, ये बस पास्ट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं जो काम बीत चुका हो, तो वे सहायक शब्द या तत्व हैं ये, ठीक है। और किसी किसी वाक्य के, वाक्य में आ जाते हैं ताकि हम बना सके, या हमें इसमें पास्ट इंडेफिनिट के रूल बनाने हैं। यस्टरडे यानी कि कल, बीत गया, लास्ट ईयर पिछले साल, बीत गया आएगा थोड़ी ना पिछले साल, और जो कह रहा है वो मूर्ख होगा, आप देख लेना कौन मूर्ख है कौन कह रहा है। लास्ट मंथ यानी कि पिछले मंथ, बीत गया, आने वाला नहीं अब तो जो भी आएगा। इन चाइल्डहुड, बचपन में, या बचपन, वैसे तो सबका सपना होता है बचपन हमारा फिर से आ जाए, बट बचपन तो बीत गया ना, अब तो हम आगे बढ़ेंगे, तो बचपन तो बीत गया, वो तो चला गया। 2018 बीत गया, अब 2023 चल रहा है ना, 2018 तो बीत गया। अब भाई रे वो सबसे बड़ा मूर्ख होगा जिसने ये समझाओ, अब देख लेना वो कौन मूर्ख है, मुझे नहीं पता, जिसने ये समझाओ कि अगर वाक्य के अंत में, मतलब कहीं भी अगर वाक्य में 2018 आ गया ना, हाँ वो पास्ट इंडेफिनिट होगा, फिर उसके रूल्स लगाने हैं। अब देख लेना जिसने समझाया वो मूर्ख है, और जिसने नहीं समझा वो समझदार है। इसका अर्थ है कि अब जो चल रहा है ना उससे पहली तारीख आ गई, जैसे कि ये साल 2023 चल रहा है, तो जब 22 आ गया, 21 आ गया, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, ये सारे जब शब्द आ जाए ना पीछे के तारीख, तो उसमें 18 उठा लिया है बस, ठीक है। तो मैं आशा, मुझे तो भाई पक्का पता है, मैं आशा करती हूँ आपने किसी ने भी ये नहीं समझा होगा, आप सब समझदार होंगे, ठीक है।
तो ये भी शब्द होते हैं जिससे हम पहचान सके कि मतलब ये पहले की हो गए ना, बीत गया वो समय। तो इसमें हम पास्ट इंडेफिनिट के यूज़ लगाते हैं, ठीक है। मैं आशा करती हूँ आपके अच्छे समझ में आ गया होगा। अब एक एक करके हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, एग्जाम्पल्स की तरफ, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, मैं उसे बहुत पसंद करता था। अब ये बात कौन कह रहा है? कोई लड़का कह रहा है। किससे कह रहा है? कोई लड़की से ही कहेगा भाई मैं उसे बहुत पसंद करता था, तो कोई लड़की होगी, तो कॉमन सेंस होता है। ये देखो ये सेंटेंस कैसा है, ये हमारा सिंपल सा सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? सिंपल सेंटेंस है। अब दूसरी बात, यहाँ ता था आ गया और ता था पास्ट इंडेफिनिट में आ गया, तो हम पास्ट इंडेफिनिट के रूल्स लगाएंगे। सिंपल में क्या हमारा स्ट्रक्चर बनता था? सब्जेक्ट प्लस वी सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ही हम करेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है? आई लाइक्ड। वी सेकंड आएगी क्या क्रिया और यह पसंद करने की? लाइक्ड, ठीक है। सेकंड फॉर्म इसकी लाइक्ड। आई लाइक्ड किसे? उससे। तो कोई लड़की है, लड़की का ऑब्जेक्ट क्या होगा? लड़की यानी कि शी का ऑब्जेक्ट हर, ठीक है। इस तरह हर बनाते हैं। आई लाइक्ड हर, बहुत ज़्यादा पसंद करता था जो भी हमारा ऑब्जेक्ट बचा है, वेरी मच, ठीक है। हमारा सेकंड क्या है? आज मैंने नाश्ता नहीं किया। तो नहीं का सेंटेंस है, यानी कि हमारा सेंटेंस नेगेटिव है। और नहीं किया, आ गया ना, तो पास्ट इंडेफिनिट है, उसके लिए इसे लगाएंगे। स्ट्रक्चर आप क्या बनता था? देखो मैंने की इंग्लिश बनी आई, नेगेटिव में बताया था डिड ही लगेगा, इसमें डिड नहीं लगेगा। तो आई डिड नॉट क्या नहीं किया? नाश्ता नहीं किया। क्रिया क्या हो रही है? नहीं करने की हो रही है ना। आई डिड नॉट टेक, यहाँ पर सेकंड या थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, बिकॉज डिड ने वी फर्स्ट को अपनाया था, वी सेकंड को नहीं अपनाया था, ठीक है। आई डिड नॉट टेक माई कौन सा इसका नाश्ता नहीं किया था, अपना ही नहीं किया होगा। आई डिड नॉट टेक माई ब्रेकफास्ट, ये हमारा आगे का जो ऑब्जेक्ट है वही है, ठीक है। आई डिड नॉट टेक माई ब्रेकफास्ट, ठीक है। आज नहीं किया था ना, तो हम लगा देंगे टूडे, ओके। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा है, अभी मैं प्रैक्टिस भी लेके लाऊंगी, ठीक है। थर्ड है हमारा, क्या मैंने तुम्हारा सम्मान नहीं किया? अब यहाँ देखो, यहाँ तो आप हाँ में जवाब दोगे, हाँ नहीं किया, या आप ना में जवाब दोगे, हाँ किया, या आप ना में जवाब दोगे, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, या हम हाय ना में जवाब देंगे, तो इंट्रोगेटिव के का ही स्ट्रक्चर या फॉर्मूला लगेगा। और इंट्रोगेटिव हमने भी पढ़ा था कि हम डिड का यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब में, मतलब हम डिड का यूज़ करेंगे, ये बात नहीं होगी कि नहीं करेंगे, करेंगे। और डिड कर रहे हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का भी यूज़ करेंगे, ठीक है। आई, क्या मैंने तुम्हारा सम्मान नहीं किया? आई नहीं आएगा बटिया, या हम इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, ठीक है। क्या बना रहे हैं? इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, ओके। तो इंट्रोगेटिव बना रहे तो हेल्पिंग पहले आती है, डिड, यहाँ ये नहीं किया इंट्रोगेटिव, दोस्तों नेगेटिव है। क्या मैंने तुम्हारा सम्मान नहीं किया? क्या सवाल भी पूछ रहे हैं और नकारात्मक भी होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का लगेगा। डिड आई नॉट रिस्पेक्ट यू? रिस्पेक्ट होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को अपना डिड ने, तुम्हारा यू, डिड आई नॉट रिस्पेक्ट यू, ठीक है। क्या मैंने तुम्हारा सम्मान नहीं किया? डिड आई नॉट रिस्पेक्ट यू। फोर्थ हमारा, क्या तुमने फूल तोड़े? ये हमारा क्या है? इंट्रोगेटिव है, ठीक है। और इसमें क्या होगा? क्या तुमने फूल तोड़े? हाँ में जवाब दोगे, ना में जवाब दोगे, तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर बनाते हैं। डिड, इसमें डू या डज की अभी इतनी चिंता नहीं है, मतलब कि अगर दो हेल्पिंग वर्ब होती तो चिंता रहती कि सब्जेक्ट कौन सा है, फिर उसके साथ कौन सी लगेगी। बट इसमें तो एक ही है, तो हम एक ही का यूज़ कर लेंगे, बट सिंपल में हम इस एक का भी यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, करेंगे ही नहीं, ओनली वर्ब की सेकेंड का करेंगे और वही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा। डिड यू प्लक, अब डिड आया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। प्लक क्या तोड़े? क्या तुमने फूल तोड़े? फ्लावर, ओके। मैं ऐसा करती हूँ आपको अच्छे समझ में आ रहे होंगे ये। और यहाँ साइन आएगा साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है। हमारा फिफ्थ है, तुमने कब खाना खाया? तुम उस तारीख का नाम बताओगे, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या बना? डबल इंट्रोगेटिव है, तो उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। पहले आएगी डब्ल्यू एच फैमिली। कब, कब को इंग्लिश में कहते हैं वैन, क्या कहते हैं? वैन। और वैन में देखो डब्ल्यू एच स्टार्ट में आ रहा है ना, इसलिए डब्ल्यू एच फैमिली कहते हैं, ठीक है। वैन यू, वैन डिड यू ईट, तुमने कब खाना खाया? वैन डिड यू ईट फूड, बन गया ना कितने इजली तरीके से।
तो यही था, आसान सा हमने एग्जांपल्स पढ़ लिए हैं और अब बढ़ते हैं या कदम बढ़ाते हैं प्रैक्टिस की तरफ। है प्रैक्टिस की तरफ। प्रैक्टिस को शुरू करने से पहले इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट और इसमें से किन्हीं दो का सवाल कमेंट सेक्शन पर जल्दी लिखो, ठीक है। मैं इन पांचों का सवाल, इन पांचों के सॉल्व कराऊंगी। बहुत आसान है, हर जगह झूठ 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 ही आ रहा है। तुमने झूठ बोला, तुमने झूठ नहीं बोला क्या, तुमने झूठ बोला क्या, तुमने झूठ नहीं बोला, तुमने झूठ कब बोला। कितने आसान है, दो मिनट में बना दोगे आप, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन पर इन्हें पक्का लिखना है, इनका आंसर किन्हीं भी दो का आपकी मर्जी है लिखना है और फिर बाद में मैं चेक भी करूंगी आपके, ठीक है। अब मैं इनके आंसर लिख रही हूँ और फिर आपको मैच भी करना है कि आपके ठीक है या गलत है। पर दोस्तों एक वादा मेरे से जरूर करना है कि आपको अगर दो भी नहीं तो एक का आंसर कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखना है, ठीक है। और फिर चलो मैं शुरू करती हूँ। तुमने झूठ बोला, हमारा सेंटेंस कैसा है, सिंपल सेंटेंस है, तो सिंपल का लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड प्लस ऑब्जेक्ट। तुमने यू टोल्ड अ लाइक, अब मैं समझाऊंगी नहीं, अब मैं सीधा लिखूंगी, ठीक है। आपको देखना है मैं क्या लिख रही हूँ, मैं कैसे कैसे लिख रही हूँ। यू डिड नॉट टोल्ड अ लाई, ठीक है। आगे देखो, डिड यू टोल्ड अ लाई। आगे देखो, फोर्थ है हमारा, डिड You not told a lie, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, when did you told a lie। अब आप टाइम सेट शायद आपने किया हो या आप देख लेना मैंने कितनी देर में ये किए हैं। बहुत आसान थे ये, वैसे देखो थोड़ा सा आपको टाइम और लग सकता है, मेरे तो ये सेम थे ना, मुझे पता था कि सारे झूठ के हैं तो आगे मुझे थोड़ा सा चेंजमेंट होगा। और मुझे ये भी पता था कि ये सब्जेक्ट है नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव है, तो आगे मुझे थोड़ा बहुत करना है। अगर मतलब उल्टा सुझा मतलब कैसे भी आ जाता है तो आप देख लेना भाई सेंटेंस कैसा है, फिर उसके हिसाब से बना लेना। अब देखो, तुमने झूठ नहीं बोला नेगेटिव था, तो हमने तुमने को इंग्लिश में कहते हैं यू और हम नेगेटिव में डिड का यूज करते हैं। यू डिड नॉट टोल्ड अ लाई, ठीक है। डिड के साथ नॉट आया और फिर टोल्ड अ लाई, ठीक है। आगे क्या है, क्या तुमने झूठ बोला, डिड यू टोल्ड अ लाई, क्या तुमने झूठ नहीं बोला, डिड यू टोल्ड, डिड यू नॉट टोल्ड अ लाई, और फिर क्या तुमने झूठ कब बोला, व्हेन डिड यू टोल्ड अ लाई। अब इसमें एक गलती है, मुझे जल्दी बताइए, जल्दी कमेंट सेक्शन पर लिखिए। मैं आशा करती हूँ आपने लिख दिया होगा। वो गलती क्या है कि हमने जब सिंपल बनाया तब तो वी फर्स्ट का यूज कर लो, वी सेकंड का यूज किया ना, बट यहाँ तो वी फर्स्ट का ही करेंगे, फिर तो डिड हो जाएगा ना नाराज। मैं यही तो देख रही थी, क्योंकि उसने तो वी फर्स्ट को अपनाया था ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्यार किया था, अब उसको वर्ब की सेकंड फॉर्म को लाके दे देंगे तो वो नाराज हो जाएगा, इसलिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाए, ठीक है। यू डिड नॉट टेल, ठीक है, टेल अ लाई, हर जगह टेल लगाओ, हर जगह टेल लगाओ और हर जगह टेल का यूज करो। अब हुआ है डिड प्रसन्न और हमारा जो सेंटेंस है वो भी अच्छा लगा, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी प्रैक्टिस। अब आगे देखो, मैं आगे एक बार समझा देती हूँ। क्या तुमने झूठ बोला इंट्रोगेटिव था, तो तुमने की इंग्लिश होती है यू, इंट्रोगेटिव तो हेल्प अगर पहले आ जाएगी, डिड यू टेल अ लाई, अब डिड आए तो वी फर्स्ट आ गई, ठीक है। देखो यहाँ हेल्पिंग वर्ब डिड आई तो हमने वी फर्स्ट का ही यूज़ किया, हेल्पिंग वर्ब डिड आई तो हमने वी फर्स्ट का ही यूज़ किया, यहाँ डिड नहीं था तो हमने वी सेकंड का यूज़ किया, यहाँ डिड था तो हमने वी फर्स्ट का यूज़ किया, नेगेटिव था तो मतलब हेल्पिंग वर्ब और इनके बीच में हमने नोट का यूज़ भी कर लिया, ठीक है। और ये कहना, तुमने झूठ कब बोला, उस तारीख का नाम बताओगे कि कब बोला, कल बोला, परसों बोला, वो आप बताओगे, ठीक है। और ये तो एग्जांपल था, मैं बता रही हूँ आपको। तो यहाँ डिड का हमने हेल्पिंग के रूप में डिड का यूज़ किया तो हमने वी फर्स्ट का ही यूज़ किया और ऐसे ही करना है, ठीक है। अब आप किसी मान लो सुमन राहुल से प्यार करती हो और उसको ला कर दे दो संजय,
अपना पाएगी, नाराजी होएगी, प्रसन्न कब होगी जब सामने राहुल होगा। तो वही बात यहाँ, और ये डिड के साथ वी बस फर्स्ट ही लगाना, और सबसे ज़्यादा गलती इसी में होती है, डिड के साथ वी सेकंड का यूज़ कर लेते हैं, जो कि बहुत गलत है। ठीक है, तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो ओनली इतनी थी। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, मतलब वीडियो को लाइक कर देना, और आगे मैं बहुत सारी वीडियोज़ बनाऊंगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब एक और बात, मैंने एक वीडियो में वादा किया था कि एक्स्ट्रा नॉलेज मैं हर वीडियो में दूंगी, अब तो दो वोकैब तो दूंगी ही दूंगी, ठीक है। बट जब तक मैं टेंसेस पढ़ाऊंगी, मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि सब कहते हैं ना टेंस जरूरी होते हैं, तो जरूरी होते हैं, आप पहले इन्हें पढ़ लो, बाद में आगे का देखेंगे, ठीक है। और जहाँ तक हो सके इस वीडियो को शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आप भी खुश रहो।